अचानक मुनव्वर को होता है क्या कि आधी रात में कह देते हैं सारे फैंस को काफी ज्यादा शौक। जी हाँ, एक्स अकाउंट पर अपने डालते हैं माफी की वीडियो। टेंशन बिल्कुल वो नहीं है, मैं अभी भी वही कहना चाहूंगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव। अचानक मुनव्वर को क्या होता है, किससे मांगनी पड़ी माफी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजाक में मुनव्वर ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो कि अब काफी ज्यादा अकाउंट पर जाकर के बन रही है बवाल। जी हाँ, जब मुनव्वर फारूक ने वो देखा तो उस पर मुनव्वर फारूक की माफ़ी मांगते हुए नजर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर का स्टैंड अप था जिसमें मुनव्वर फारूक ने फ्लो में कुछ लोगों को आप शराब कुछ बोल दिया था, जो कि मज़े में बोला गया था क्योंकि मुनव्वर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और जाहिर सी बातें ऊपर नीचे की बातें कर देते हैं ताकि फैंस हंसें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई दिल पे लगा करके बैठ जाए। उसी बात पर मुनव्वर फारूक की माफ़ी मांगते हुए नजर आए। आखिर क्या वजह थी, किस बात पर, क्या वजह पर मुनव्वर ने माफ़ी मांगी है, वीडियो आपकी नज़रों के सामने। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है, मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।